गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह के 9:30 बज चुके हैं और इस वक्त मैं पूरी तरह से नहा धोवा के तैयार हो चुका हूँ। ये देखिए। सो गाइस, आज मैं एक हिस्टोरिकल प्लेस घूमने के लिए जा रहा हूँ, शनिवार वाड़ा, जहाँ पे बाजीराव मस्तानी जो मूवी आई थी रणवीर सिंह की, उसकी शूटिंग वहीं पर हुई थी। तो आज हम वहीं पर जा रहे हैं घूमने के लिए। और यह पुणे काफ़ी नामी हिस्टोरिकल प्लेस है, इसे हॉन्टेड प्लेस भी कहते हैं। वहाँ का मैं कुछ आपको भूतिया कहानियाँ भी बताने वाला हूँ। मेरे साथ मेरा दोस्त भी जाने वाला है, वो मेरा बाहर वेट कर रहा है, तो मैं आपको उससे बाद में मिलाता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। चलिए, मैं आगे आपसे आप शनिवार वाड़ा में ही मिलता हूँ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. So guys, अभी हम लोग शनिवार वाड़ा में आ चुके हैं। मेरे संग मेरा दोस्त भी आया हुआ है, जो इस तरफ मेरे साथ में है इधर। अरे यार, हाय कर दो कुछ। हाय, ये मेरा फ्रेंड है। तो हम दोनों साथ में यहाँ पर घूमने आए थे शनिवार वाड़ा, और मैं आपको यहाँ का एक व्यू दिखाता हूँ, फिर मैं आगे आपको इस बारे में बताता हूँ। शनिवार वाड़ा किला महाराष्ट्र राज्य के पुणे सिटी में स्थित है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव प्रथम ने कराया था, जो मराठा शासक छत्रपति साहू के पेशवा यानी प्रधान थे। इसकी नींव 10 जनवरी 1730 ईस्वी को शनिवार के दिन रखी गई थी। शनिवार के दिन नींव रखे जाने के कारण इस किले का नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। इस 7 मंजिले किले के निर्माण की जिम्मेदारी राजस्थान के ठेकेदारों को सौंपी गई थी। किले का निर्माण पत्थर और ईंट दोनों से किया गया है। 625 यार्ड में निर्मित इस किले के निर्माण में कुल 161,100 रुपये खर्च हुए थे, जो उस समय की एक बहुत बड़ी रकम थी। 22 जनवरी 1732 ईस्वी को शनिवार के दिन ही किले का उद्घाटन किया गया था। शनिवार वाड़ा के ठीक सामने पेशवा बाजीराव प्रथम का स्टैचू बनाया गया है, जो देखने में काफ़ी भव्य लगता है। कहा जाता है कि शनिवार वाड़ा के प्रथम रेसिडेंट पेशवा बाजीराव प्रथम ही थे। यह शनिवार वाड़ा के ठीक सामने का कैंपस है। तो गाइस, यह शनिवार वाड़ा है। चलिए अभी हम अंदर प्रवेश करते हैं। शनिवार वाड़ा किले में प्रवेश करने के लिए 5 दरवाजे बने हुए हैं, जिन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। यह है दिल्ली दरवाज़ा। यह किले का मुख्य द्वार है। यह उत्तर दिशा में दिल्ली की ओर खुलता है, इसी कारण इसे दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता है। यह दरवाज़ा काफ़ी ऊंचा और चौड़ा है, इतना कि पालकी सहित हाथी को यहां से निकाला जा सकता है। इस दरवाजे के दोनों पलरों पर 72 नुकीले किले लगी हुई हैं, जिनकी लंबाई 12 इंच है। यह शत्रु के हाथियों के हमले से रक्षा के लिए दरवाजे पर लगाई गई है। शनिवार वाड़ा किले में रहस्यमय तरीके से 1828 ईस्वी में आग लग गई थी, जिस पर 7 दिनों तक काबू नहीं पाया गया था, जिससे पूरा किला जलकर नष्ट हो गया था। अभी इसके अवशेष मात्र ही सिर्फ देखने को मिलते हैं। यह है लोटस फाउंटेन। शनिवार वाड़ा का मुख्य आकर्षक कमल के आकार का यह फाउंटेन है, जो लोटस फाउंटेन या हजारी गंजारे के नाम से जाना जाता है। इस फाउंटेन में कमल के फूल के आकार का 16 पंखुड़ियाँ बनी हुई थी, जो कलात्मकता का बेजोड़ नमूना है। एक समय में यहाँ 100 नृतक नृत्य किया करती थी। इसकी एक कोने में संगमरमर की बनी गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई थी। फाउंटेन के साथ ही यहाँ फूलों का सुंदर बगीचा था, जो कि उस समय आग लगने के कारण नष्ट हो चुकी थी। शनिवार वाड़ा बाजीराव प्रथम द्वारा काशीबाई को दिए गए धोखे और बाजीराव मस्तानी की अधूरी प्रेम गाथा को बयां करती है। रणवीर सिंह की मूवी बाजीराव मस्तानी की बहुत से पार्ट की शूटिंग शनिवार वाड़ा में ही किया गया था। यह पुणे के एक प्रमुख पर्यटक स्थल में गिना जाता है। यह है गणेश दरवाज़ा। यह दरवाज़ा दक्षिण पूर्व दिशा में खुलता है।
किले परिसर में बने गणेश महल के नज़दीक होने के कारण इसका नाम गणेश दरवाज़ा पड़ा। इस दरवाजे का उपयोग महिलाएं गणपति मंदिर में दर्शन के लिए आते समय करती थीं। शनिवार वाड़ा के संदर्भ में कई रहस्यमय और भूतिया कहानियां प्रचलित हैं। मराठा साम्राज्य के पांचवें पेशवा नारायण राव को 17 वर्ष की आयु में रहस्यमय तरीके से उनके काका काकी ने हत्या कर दी थी। लोगों का कहना है कि आज भी शनिवार वाड़ा में नारायण राव की आत्मा भटकती है। उनके द्वारा कहे गए अंतिम शब्द काका माला बाचवा, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है काका मुझे बचाइए, किले में आज भी सुनाई पड़ते हैं। इसी कारण इस किले को हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। आज भी जब लोग वहां घूमने जाते हैं तो किले को 6 बजे शाम को बंद कर दिया जाता है। 6 बजे के बाद किले में किसी का प्रवेश नहीं होता। सो गाइस, अभी मैंने आपको पूरा शनिवार वाड़ा दिखाया और यहाँ के बारे में भी मैंने आपको बहुत कुछ बताया। आगे यहीं 400 मीटर की दूरी पर एक लाल महल है, तो अभी हम लाल महल भी घूमने जा रहे हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूं। आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में लाल महल दिखाता हूँ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।